हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वाटर साइकिल। ओके बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डैम्स के बारे में और जो है कैनल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट इन ए साइक्लिकल वे। ओके, तो देखिए बेटा, वाटर जो है, जो पृथ्वी पर जो भी पानी, यानी हमारी पृथ्वी पर जो पानी उपलब्ध है, और वो जो है निरंतर रूप से चेंज होता है। यानी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो इवेपोरेट होकर के भाप बन करके ऊपर जाता है, फिर वहाँ पर जाके वो क्लाउड के रूप में यानी बादल बन जाता है, फिर वहाँ पर जब बहुत ठंडा हो जाता है तो वहाँ से बारिश होती है। इस तरह से ये साइक्लिकल वे में चलता रहता है। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। द वाटर इज ओशियन, रिवर्स, सीज एंड लेक्स आर हीटेड बाई सन रेज एंड चेंज इंटू वाटर वेपर। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी नदियों में, समुद्रों में और झीलों में जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से वो गर्म होकर के भाप बन के, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। द वाटर वेपर राइजेज अप एंड व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द अपर लेयर ऑफ कूल एयर इट कंडेंसेस एंड चेंजेज अगेन इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो बेटा ये जो है ऊपर जाता है और वहाँ पर कूल एयर यानी ठंडी हवा के कांटेक्ट में आता है, उसके बाद वहाँ पर वो ठंडा हो जाता है और फिर से वो पानी के छोटे छोटे बूंदों में बदल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। दीज टिनी ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और यही छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं, ये जब आपस में मिल करके बादल बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं, और व्हेन द क्लाउड्स बिकम हैवी विथ दीज ड्रॉपलेट्स दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ एज रेन। और यही बादल जो है बेटा, जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो वे ज़मीन पर यानी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। किस तरह से? बारिश के रूप में, रेनफॉल के रूप में गिर पड़ते हैं। द फेनोमेनन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। यह जो फेनोमेनन है इसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ वाटर टर्निंग इनटू वाटर वेपर एंड देन अगेन इनटू वाटर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और ये जो है, ये प्रोसेस जो है वाटर साइकिल कही जाती है। यानी बेटा, कहने का मतलब ये है कि पहले सूर्य की किरणें जब चमकती हैं, सनरेज जो है सनलाइट से, जो नदियों का जल है, तालाबों का पानी है या समुद्रों का पानी है, वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर वहाँ पर वो छोटे छोटे बूंदों के रूप में जो है वो क्लाउड बना लेते हैं। क्लाउड यानी बादल बना करके, तब जब वो बादल बहुत बड़े हो जाते हैं, फिर वहाँ ठंडा होता है यानी कूलनेस आती है उनमें, और कूलनेस के बाद वो बारिश बन के पृथ्वी पर फिर आ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। आप सब लोग, ये जो दिखाई दे रहा है ये फिगर, अपने अपने कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। और यह बेटा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेज भी करवाएंगे। तो बेटा, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।